हेलो एवरीवन, होप यू हैव अ वंडरफुल डे। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। सो जिन बच्चों ने जेई मेन 2020 के लिए अप्लाई कर दिया है या फिर अभी अप्लाई करना बाकी है, तो उनके लिए आज ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि जेई मेन का एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, आज उसने एक नोटिस जारी किया है। इसमें एक्चुअली जो जेई मेन का एग्ज़ाम पैटर्न है वो चेंज हो गया है, तो उसके बारे में नोटिस है। हम पढ़ते हैं, नोटिस है क्या। द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA विल कंडक्ट द जेई मेन 2020 एग्जामिनेशन ट्वाइस फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन NITs, IITs एंड अदर सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा। सो ये बता रहे हैं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि जेई मेन का एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, करवाती है, वो क्या करेगी, इस पर जो जेई मेन का एग्ज़ाम है वो टू फेज़ में कराएगी। ओके, फर्स्ट फेज़ में हाफ बच्चे होंगे, सेकंड फेज़ में हाफ बच्चे होंगे। और जो हमारा फर्स्ट फेज़ है वो कब होगा, उसकी हमें डेट गिवन है। द फर्स्ट जेई मेन 2020 विल बी कंडक्टेड इन जनवरी 2020 बिटवीन 6 जनवरी एंड 11 जनवरी। सो जो हमारा फर्स्ट फेज़ है वो होगा 2020 में 6 और 11 जनवरी के बिटवीन, ठीक है। सेकेंड फेज कब होगा, विल बी कंडक्टेड बिटवीन 3 अप्रैल एंड 9 अप्रैल 2020। जो सेकेंड फेज होगा वो होगा 2020 में 3 और 9 अप्रैल के बिटवीन। फर्स्ट फेज कब होगा, 6 जनवरी और 11 जनवरी के बिटवीन, और सेकेंड फेज कब होगा, 3 अप्रैल और 9 अप्रैल के बिटवीन। As per the eligibility criteria for B architecture, B planning courses and according to the opinion of subject experts, a few changes in the pattern of the questions papers and number of questions for BE, BTech, B architecture and B planning have been approved by the JEE Apex Board JAB for the conduct of JEE Main 2020 examination. So BE, BTech और B architecture as well as B planning का जो क्वेश्चन पेपर का क्राइटेरिया है और नंबर ऑफ क्वेश्चन है, उसमें कुछ चेंजेस की गई है, उसको हम देखते हैं क्या है। द पैटर्न क्वेश्चन पेपर्स इज गिवन बिलो। पैटर्न नीचे दिया हुआ है, पेपर, सब्जेक्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चन, टाइमिंग ऑफ द एग्जामिनेशन। तो BE और BTech के लिए जो मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री है, उसमें 25-25 क्वेश्चंस होंगे, 20 क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, MCQs होंगे, और 5 क्वेश्चंस होंगे न्यूमेरिकल टाइप। ओके, और जो इसका फर्स्ट शिफ्ट होगी वो होगी 9:30 AM से लेकर 12:30 PM, और जो सेकेंड शिफ्ट होगी वो होगी 12:30 PM से लेके 5:30 PM। उसके बाद है बी आर्किटेक्चर, इसमें हमारे 3 एग्ज़ाम होंगे, एक होगा मैथमेटिक्स पार्ट 1, एप्टीट्यूड टेस्ट पार्ट 2 एंड ड्राइंग टेस्ट पार्ट 3। मैथमेटिक्स पार्ट 1 में 25 क्वेश्चंस होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और 5 क्वेश्चंस होंगे न्यूमेरिकल बेस्ड। उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या होगा, 50 क्वेश्चंस होंगे, इसमें होंगे ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, MCQs, और ड्राइंग टेस्ट में हमारे 2 क्वेश्चंस होंगे, ओनली क्वेश्चंस फॉर ड्राइंग टेस्ट, इसमें ड्राइंग टेस्ट के लिए क्वेश्चंस होंगे। ओके, टाइमिंग क्या है इसकी, टाइमिंग सेम है, जैसे कि फर्स्ट जो शिफ्ट होगी हमारी वो होगी 9:30 AM से लेकर 12:30 PM, और जो सेकंड शिफ्ट होगी वो होगी 2:30 PM से लेकर 5:30 PM। उसके बाद लास्ट बी प्लानिंग, इसमें हमारे एग्ज़ाम होंगे मैथमेटिक्स पार्ट 1, इसमें 25 क्वेश्चंस होंगे, 20 क्वेश्चंस होंगे हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप्स, MCQs, और 5 क्वेश्चंस होंगे न्यूमेरिकल बेस्ड। उसके बाद है एप्टीट्यूड टेस्ट पार्ट 2, इसमें 50 क्वेश्चंस होंगे, इसमें ओनली MCQ क्वेश्चंस होंगे, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। उसके बाद है लास्ट प्लानिंग बेस्ड क्वेश्चंस पार्ट 3, इसमें 25 क्वेश्चंस होंगे, इसमें भी ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ क्वेश्चंस होंगे। इसका जो टाइमिंग होगा ये ओनली एक शिफ्ट में होगा, इसका जो टाइमिंग है वो होगा 2:30 PM से लेके 5:30 PM। उसके बाद है लास्ट, नीचे जो और इन्फॉर्मेशन ये देखते हैं, हाँ, द टाइमिंग फॉर दोज कैंडिडेट्स हु और फॉर बी आर्किटेक्चर एंड बी प्लानिंग बोथ विल बी 2:30 PM टू 6 PM IST। ओके, तो बी आर्किटेक्चर और बी प्लानिंग के लिए जो टाइमिंग है वो 2:30 PM से लेके 6 PM तक है। उसके बाद है द अबव
द अबव एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब जितने भी एग्ज़ाम होंगे ये सारे कंप्यूटर बेस्ड होंगे, इसमें ऑफलाइन मोड नहीं होगा, मतलब पेन पेपर नहीं होगा। ओनली एक्सेप्ट दैट द ड्राइंग टेस्ट फॉर बी आर्किटेक्चर, ओनली बी आर्किटेक्चर के लिए जो ड्राइंग का टेस्ट होगा उसमें ओनली पेन पेपर अलाउड होगा, मतलब ओनली ऑफलाइन मोड जो होगा अवेलेबल वो बी आर्किटेक्चर में होगा, और बाकी जितने भी हमारे कोर्स हैं उसमें जो इसके एग्ज़ाम होंगे वो कंप्यूटर बेस्ड होंगे। मतलब कापी पेन का फंडा गया, तो इसको आप ध्यान से कर लें, ठीक है, डरना नहीं है, वही बहुत ईजी होता है, कंप्यूटर बेस्ड बहुत ईजी होता है। अब बाकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और है, यहाँ पर लेना इतनी ज़्यादा मतलब नॉइजेबल नहीं है, लेकिन जो लास्ट है लाइन इसमें देखते हैं, कैंडिडेट हु डिज़ायर टू अपीयर इन जनवरी JEE मेन 2020, मतलब जो कैंडिडेट मतलब चाहते हैं इसमें अप्लाई करना जो JEE मेन में 2020 में, मे बी द डिटेल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, जो जितनी भी डिटेल इसके बारे में वो ये WWW जो ये जो ब्लू रंग की है इसमें जो ये वेबसाइट है इसमें जाके आप हासिल कर सकते हो www.nta.ac.in एंड अप्लाई फॉर द सेम ओनली ऑनलाइन बिटवीन, और अप्लाई करना अगर आपने ऑनलाइन तो उसकी डेट क्या है 3/9/2019, मतलब आज की डेट ट्यूसडे, एंड लास्ट डेट है टिल कब तक होगा 30/9/2019। ओके, तो लास्ट जो इस पूरा मंथ है मतलब ये मान लो कि लास्ट सेप्टेम्बर तक है, उसके बाद द फीस कैन बी पेड ओनली ऑनलाइन अप टू 1/10/2019। ओके, जो जो फीस होगी वो अपनी अप टू कब है 1/10/2019 ट्यूसडे तक। सो इसके अलावा ये हिंदी में नीचे दिया हुआ है, तो जो बच्चे इस पे पढ़ना चाहते हो तो आप यही पढ़ सकते हो।